हाँ भाई, देखो भाई ने रेड लिया सिस्टम, ले लिया यार। वो बात अच्छा है कि इतना प्यारा था, हर किसी के घर इतने प्यारे प्यारे जमके होते हैं। उनका डब्बा ये रखा है और ये पड़ी है लगा दी, लेकिन लाइटों में एक दिक्कत होगी, इसका जो एक्सटेंशन बोर्ड चलाओ। हाँ बस पकड़ के रखो इसे, पकड़ लो। अगले बंदूक लिया अनबॉक्सिंग करने के लिए। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होगे। नहीं भी हो, दीव ब्लॉग्स का ये वाला ब्लॉग देख के एकदम बढ़िया हो जाओगे भाई लोगों। तो भाई सबसे पहले दीवू ब्लॉग्स की तरफ से और नानू भैया की तरफ से आपके लिए हैप्पी धनतेरस भाई सभी को। तो भाई आज के दिन सबके घर में आती नई नई चीज़ें और आप लोग जैसे मेरा थंबनेल देख के समझ गए कि नानू भैया ने क्या ले लिया है तगड़ी चीज़। तो बाकी भाई आप लोग पहले कमेंट में बताना कि आप लोगों के घर में क्या क्या नया नया आया है। मेरे यहाँ जो आया आप लोगों को अभी पता चल ही जाएगा कि क्या आया, आप लोगों ने थंबनेल ही देख लिया होगा कि क्या लेके आया तुम्हारा दीवू भाई तगड़ी चीज़। तो भाई हाँ भाई, देखो भाई ने ले लिया सिस्टम। अरे बहुत हो गई थी भाई, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ले लिया यार। वो बस अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा बस ऐसे ही मन था तुम्हारे भाई का कि लेनी है लेनी है, तो ले ली। फुल फाइनल ख़त्म, टाटा बाय बाय। थोड़ा अच्छा सा लग रहा है भाई, बाकी उसे अभी मैं शाम को दिखाऊंगा क्योंकि सुबह से अभी मैं काम में व्यस्त था और थोड़ा उसको लाने के चक्कर में और थोड़ा व्यस्त था। तो समझ सकते हो ना, थोड़ी बातें नहीं बताई जाती, थोड़ा वर्क हो जाता है, हल्का सा पेपर वाला, तो उस वजह से थोड़ा रह गया था मैं। बाकी यार दो तीन दिन से चल रही है बहुत तगड़ी तबीयत खराब तुम्हारे भाई की, चक्कर में व्लॉग भी नहीं कर पा रहा ना, एडिट करने का टाइम मिल रहा क्योंकि ऋषिकेश गया था। ऋषिकेश के बाद मैं बैक टू बैक ना काम पे ही था अपने, तो उसके चक्कर में पहले ऋषिकेश हरिद्वार के चक्कर में वहाँ ना ठंड थी। और जो भी हुआ अभी आपको व्लॉग पता चलेंगे, वाला व्लॉग तो थोड़ा लेट आएगा क्योंकि अभी दिवाली और दिवस के चक्कर में बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैंने आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ एक तुम लोगों को एक चीज़ रिवील करने के लिए जो मैं लेके आया हूँ अपनी गन भाई साफ सुथरी बात है, तो उसे रिवील करने के लिए शाम को दिखाते हैं क्योंकि अभी मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और थोड़ा सा होता है कुछ मतलब पूजा पाठ भी होगी क्योंकि धनतेरस है, तो आज घर में पूजा वूजा भी होगी, तो करता हूँ रिवील, दिखाऊंगा तुम लोगों को। बाकी तुम लोगों को व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब रिवील होगी तुम लोगों को। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई एक और चीज़ लेके आया है वो व्लॉग में ही बताऊंगा, अभी तो थोड़ा काम वाम है, टेरिस पे ले आया हूँ क्योंकि लगानी मुझे लाइटें। और दो दिन से ना भाई मेरे घर वाले मुझसे इतना काम करवा रहे हैं क्योंकि दिवाली के चक्कर में ना भाई, कमेंट में बताना भाई घर वाले तुमसे कुत्तों की तरह काम करवाते हैं कि नहीं। भाई मैं घर का रामू काका बन गया हूँ लिटरली, इतनी तबीयत ख़राब में भी ना मैं घर की सफाई कर रहा हूँ काम वालों की तरह। लेकिन कोई नहीं भाई, खाना रोटी वोटी देते हैं ना बहुत है वही, तो चलो चल के पहले लाइटें वाइटें लगाते हैं फिर करेंगे बात। यार लाइटें वाइटें लगा दी, लेकिन लाइटों में एक दिक्कत हो गई, इसका जो एक्सटेंशन बोर्ड था ना वो फूक गया। पोपट जब तक जिंदगी में ना हो कुछ हो सकता है, इतनी मेहनत लगी सुबह मतलब शाम के समय लगानी थी यार, वो करी थी शुरू और अंधेरा हो गया, 7 बज गए 5 बजे से लगाते लगाते। चलो कोई नहीं यार चलते हैं, और आप लोगों के लिए जो एक चीज है पहले उससे वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये तुम्हें दिखानी थी, ये मैं लेके आया हूँ फायर गन, वो चलती है ना क्लब्स व्लव्स में जो चलाते हैं, तो ये सीन है मेरे पे आ रखी है भाई। और इसका पूरा सिस्टम बताता हूँ क्या है। भाई लोगो पहले तो ये रस्सी बम था भाई, ये तो वैसे इट्स जस्ट जोक फॉर यू गाइस। तो चलो यार शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग तो कुछ नहीं करनी, एक पन्नी का रैपर है जो फायर गन का है, वो सॉरी यार मेरे मुंह, ये रस्सी बम भाई तगड़ी चीज है। तो भाई इससे मुझे सबसे अच्छी एक चीज लगी ये कि मतलब नॉर्मल सी एक गन है, आप लोग जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा एक मतलब वो बना रखा है, और यहाँ पे इसकी कनेक्शन जो तार है ना इसको यहाँ जोड़ना होगा, और इसमें एक नॉर्मल जो फायर बटन जिसने क्लब में चलाई होगी उसे पता ही होगा ये बटन आता है, तो इसे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये वाली बैटरी आती है, इसे करना है कनेक्ट, ठीक है। इसे कनेक्ट करने के बाद इसे ऐसे ही बंद कर देना नॉर्मल सा एज यूजुअल, और इसको ये होता है अनार, इसके अनार आते हैं जो इसके शॉर्ट्स बोले जाते हैं वो ये होते हैं जिससे वो आग वो फेंकता है पूरे में, तो इसे कर देना यहाँ पर फिट। इसे यहाँ पर फिट करने के बाद ये जो कनेक्शन के वाले जो तार देख रहे हो ना, इन दोनों को इसमें लगाना है। इसमें लगाने के बाद इसे ऐसे बटन दबा के बस ये चलता रहेगा। अभी इसे ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए, बाकी अगर किसी को चाहिए तो मैंने उस चक्कर में बता दिया था भाई, इसको यूज भी नहीं करना और किसी को चाहिए डीएम कर देना भाई मेरे इंस्टा पे मेरे स्नैप पे, तो आप लोगों को प्रोडक्ट मतलब अच्छा है भाई, बहुत चीप है, मुझे तो बहुत सस्ता सा लगा, ये ज्यादा महंगा नहीं भाई। जिसको चाहिए तो मुझे डीएम कर देना, मेरे पास पड़े हैं, जिसने मेरे को दिया है ना तो उसी ने बोला था कि भैया अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है भाई मैं अपनी YouTube की फैमिली को बताऊंगा भाई किसी को चाहिए तो, बहुत सस्ता ज़्यादा महंगा नहीं है, तो मुझे प्राइस के लिए DM कर लेना। और कमेंट बॉक्स में अगर भाई मेरा ये भी है मैं इसे गिव अवे में भी दूंगा, दिवाली पे गिव अवे निकालूंगा जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मेरे उस पे, अगर मेरे उस पे 2000 से प्लस कमेंट आते हैं तो मैं ये वाली गन गिव अवे में दूंगा दो शॉट्स के साथ। ये शॉट्स की प्राइस ना अलग होती है, ये गन ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, शॉट्स बहुत महंगे पड़ते हैं, ये एक्चुअली एक मिनट तक चलते 60 सेकंड्स इनकी वो होती है लिमिट,
तो अभी ना इसे चलाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कितना मजा आता है। बाकी देखो, और आपको अपनी गन भी दिखानी है, तो देखो भाई आज क्या होता है। देखो गन का डब्बा ये रखा और ये पड़ी गन। अभी ये जैसे ही उसका वो होगा ना, धनतेरस की पूजा होगी, अभी स्टार्ट होगी। घर पे कोई है नहीं, गए हैं सब अभी। एक्चुअली मम्मी की है तबीयत ख़राब तो वो लोग गए हैं। तो ये रही, देखा मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अभी पूरा ऊपर देख लेना, अभी मैं आपके लिए सस्पेंस है ब्रदर, वरना वीडियो देखोगे नहीं स्किप कर दोगे। इससे अच्छा रुको, पहले देखो, कभी भी वीडियो को दिखा सकता हूँ। अभी इसकी पूजा होगी, इसे खोलेंगे, इसे देखते हैं चला के कि चल पाती है कि नहीं। इस डब्बे में आई थी भाई, बाकी हमारा वो रखा है शूट के लिए, तो हमारा ट्राईपॉड है। सिस्टम तो बहुत कह रहा है, थोड़ा सा भाई अपना सिस्टम लगाया करेंगे थोड़ा सा। मतलब ये देखो भाई, अब ऐसे अभी तक कवर हो रखी है, पूजा होगी इसकी प्रॉपर। बाकी देखो आगे से मैंने खोल रखी थी, ऐसी रखी हुई थी डब्बे के ऊपर, तो मैं साइड से डब्बा उठा लेके आया, मतलब मंदिर के वहीं पर ही साइड में रख रखी थी ना। थोड़े पूजा वूजा होगी भाई इसकी भी, बाकी चलाएंगे। बाकी फायर गन तो अपनी चलाएंगे, तुम लोगों को दिखाऊंगा। बाकी मुझे कमेंट बताना भाई कैसा लगा तुम लोगों को ये व्लॉग। व्लॉग पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो जाके जल्दी से लाइक का बटन दिख रहा होगा उसे लाइक करो। चैनल पर नए हो तो जाके जल्दी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दिवाली वाला व्लॉग भी बहुत कैड़ा आने वाला है। और भाई ऋषिकेश वाला व्लॉग तो जो एपिसोड के सीरीज आने वाली है बहुत गजब आने वाली है, जो उधर मेरे साथ ऋषिकेश में हुआ है ना, उसके लिए भी आपके लिए सस्पेंस छोड़ के जा रहा हूँ, बस देखना भाई। ठीक है, बाकी चलो यार चलते, अभी घर वालों का वेट करते हैं। एक्चुअली मम्मी की है तबीयत ख़राब, उनको ना फीवर बहुत ज़्यादा तगड़ा चढ़ रखा है मम्मी को भी, और मतलब घर में ही सबको मेरे को लग रहा है वायरल हो रहा गया था। मेरी पहले तबीयत ख़राब हुई, फिर पापा की, मम्मी की बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो मम्मी आज गई है चेकअप के लिए हॉस्पिटल, तो भैया ही लेके गया। मैं अपने शूट वूट में बिजी था, उससे पहले लाइटें वाइटें लगा रहा था, और लाइटों में मेरा पोपट हो चुका है भाई, जो मतलब सब कुछ लगा लिया लेकिन वो कनेक्शन का वो जो होता है ना स्विच बोर्ड जो भी उसमें बोलते हैं एक्सटेंशन कोड, वो फूक गया था। तो मैंने चलो कोई नहीं, अभी जाके थोड़ी देर में नया लेके आएंगे, जब तक शूट वूट कर लें। और ये घर वालों के आगे उनके साथ ट्राई करेंगे कि क्या है बवाल। बाकी इसको भी दिखाने ही आप लोगों को, रखी हुई है डब्बे के साथ ही। तो चलो यार मजा आ रहा है वीडियो में, तो भाई बताना जरूर भाई, कमेंट जरूर चाहिए तो मुझे इस ब्लॉग पे। तो इसको चला के देखते हैं क्या है ये बवाल चीज। बाकी आ जाओ, पापा भी आ रहे हैं, मम्मी भी आ रही हैं, चलेंगे छत पे चलेंगे। थोड़ा सा फायर का है तो इस लक्कर में मैं ही चला के देखूंगा क्या चीज है यो। बाकी देखो यार व्यू कितना प्यारा आ रहा है, हमारी लाइट नहीं जल रही, बस पूरे मोहल्ले की जल रही है। ये देखो क्या हुआ, क्या नहीं चला, लो मैं चलाता हूँ इसे। और तो नहीं है। चलो भाई ये देखो, नहीं दबा के कुछ नहीं, ऐसे चला के रखो। ये वाला छोटा ना रहा है भाई, कल जलाएंगे बड़ा वाला दिवाली वाले। मम्मी चलाओ चलाओ चलाओ, पकड़ो इसे, बस पकड़ के रखना, कुछ नहीं करना। हाँ बस पकड़ के रखो इसे, पकड़ लो, कुछ नहीं करना। फाइनली मैं तुम लोगों के लिए बंदूक ले आऊँ अनबॉक्सिंग करने के लिए, टेरिस पे लेके आया हूँ। नीचे तो सब बैठे हैं ना, तो देखो भाई कर दूँ तो मैं दिखा ही दूँ यार, सुबह से इंतज़ार कर रखा है जिसके ऊपर व्लॉग बनाया है। बाकी तुम कमेंट बताना तुम्हारे भाई ने लाइटें लगाई कैसी लग रही हैं, और अपने घर में भी दिखाना भाई कैसी कैसी लगाई हैं। बुलाओ यार दीपू भाई को बुलाओ अब। लेकिन यार कुछ भी कहो, दिवाली पे जो लगता है ना भाई कितना प्यारा लगता है, हर किसी के घर इतने प्यारे प्यारे चमके होते हैं। तुम्हारे भाई का घर अभी नीचे से दिखाऊंगा, थोड़ा आज ना बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे भाई ने देखा ऐसा लगवा रखी लाइटें, खुद लगाई है, मेहनत की, तुमने देखा ही होगा व्लॉग में। बाकी इसकी दिखा दो तुम्हें कैसी है गनी हमारी। कहाँ रखूँ, थोड़ी घास वासी हटवा दी हैं, जरा सफाइयाँ चल रही हैं अभी। तो देखो भाई दिखा दूँ यार, चलो तुम भी क्या याद रखोगे देख लो यार। तो भाई ये है नकली गन। क्या बोला तूने? तो भाई ये है नकली गन। इमोशनल डैमेज। प्रैंक हो गया आपके साथ। खोपड़ी तोड़ साले। तुम्हें असली लगेगी, ये देख रहे हो, ये तुम्हारे भाई ने बनवाई है। इसे देखो एक बार, खोल देता हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो ये देखो, ये प्रॉपर खोलेगी भाई, इसमें छर्रे डलते हैं भाई। केस करवाओगे अपने भाई पे? परेशान हो गए हम लोग भाई, थोड़ा सा रुको यार। बाकी ये बताओ कैसी लग रही है? बिल्कुल देखो, बिल्कुल बनवाई है, लोहे की है प्रॉपर। ये ऐसे ऐसे गिरा दोगे ना आवाज इसकी। अच्छा
सुनोगे ये देखो, मतलब अभी तो इसमें कुछ है नहीं छर्रे भरे, वो वाली इसमें आवाज़ नहीं है, देख रहे हो ये वैसी है, बिल्कुल लगेगी तो मैं वैसी, अगर नकली मगर मैं दिखाऊं वैसे किसी को तो डर जाए आदमी देख के, क्योंकि हैवी मतलब भारी भी है एक तरीके से, और थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन कोई नहीं चलो। यार देखो ये बस एक छोटा सा प्रैंक था, मतलब ये बंदूक वैसे प्रॉपर लोहे की है, हर एक चीज़ है इसमें, लेकिन बस थोड़ा सा यार असली पागल हो, मेरी यार एज नहीं हुई है, मैं लाइसेंस वाइसेंस बस हूँ, 24 साल की उम्र में लाइसेंस मिलता है, तो मैंने इसके बारे में लाइसेंस वाइसेंस के बारे में नहीं बताया तुम लोगों को, थोड़ा सा ना मज़ा दिलाए यार तुम लोगों के साथ प्रैंक प्रैंक करें, तो बताना भाई वीडियो में कैसा मज़ा वजा आया, बाकी मज़ा तो आया होगा भाई, देखो मज़ा तो भाई देखो थंबनेल वंबनेल देख के तुम सब समझ गए कि भाई ने कुछ असला लिया है। चलो यार तुम्हारा साथ रहा तो वो भी ले आएंगे, पर 24 साल तक तो रुकना पड़ेगा, लीगल एज 24 साल होती है भाई, देखो बाकी 24 ही होती है आई थिंक, बाकी भाई नहीं होगा तो भाई दिखा देना, लेकिन 21 साल नहीं है लीगल एज असली लाइसेंस गन पाने की, और थोड़ा सा भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, लेकिन लेंगे भाई वो भी लेंगे तुम्हारे साथ रहा तो। तो आई होप आपको ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लॉग पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मिलता है जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।